अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों के पांचवें दौर की बातचीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा एमएसपी मांग फसल विविधीकरण प्रणाली जैसे विषयों पर बातचीत के लिए केंद्र तैयार, किसानों से शांति बनाए रखने का किया अनुरोध। किसानों को दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रदर्शनकारियों के ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनें और अन्य वाहनों से गाजीपुर, गुरुग्राम, शंभू और सिंधु बॉर्डर पर भीषण जाम। भारत और ग्रीस के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता। भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ग्रीस पीएम ने राजघाट पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। ग्रीस के प्रधानमंत्री होंगे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। 3 दिनों तक वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत योजना में चिन्हित देश भर के 551 रेलवे स्टेशन तथा 777 रेलवे ओवरब्रिज व अंडरपास का लोकार्पण 26 फरवरी को करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आउटर रिंग रोड का किया निरीक्षण, कहा मार्च के प्रथम सप्ताह में रिंग रोड हो जाएगा तैयार, प्रधानमंत्री करेंगे इसका लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल महापौर की उपस्थिति में घर घर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को जिनेश्वर मिश्र पार्क के पास दिखाई हरी झंडी, सफाई में मिलेगा सहयोग। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान का किया स्वागत, कहा राहुल गांधी अमेठी से लड़े, उनका बेसब्री से रहेगा इंतजार। उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती को कांग्रेस ने किया है स्वीकार। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी विजयंत जय पांडा ने कहा प्रदेश में राममय व मोदीमय माहौल, योगी सरकार ने प्रदेश में कराया विकास, कानून व्यवस्था हुई बेहतर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में 80 लोकसभा सीटों को जीतना बताया जरूरी, कहा मार्च के पहले सप्ताह में कभी भी हो सकती है चुनावों की घोषणा, हारी सीटें जीतने पर रहेगा जोर। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना पर भाजपा सांसद ने रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी सरकार पर बोला हमला, कहा ममता बनर्जी को देना होगा जवाब, राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। यूपी के युवाओं पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के विवादित बयान की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की निंदा, कहा प्रदेश के युवाओं में है बहुत ऊर्जा, युवा प्रदेश को आगे बढ़ाने का कर रहे हैं काम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आगाज की उल्टी गिनती शुरू, मेहमानों का स्वागत करने के लिए की जा रही हैं खास तैयारियां। राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव में भाजपा सपा के बीच 27 फरवरी को मुकाबला होगा। मंगलवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कल से होगी शुरू, सभी केंद्रों पर पहुंच गए हैं प्रश्न पत्र, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे गए हैं प्रश्न पत्र। ₹230 करोड़ की लागत से पूर्वांचल हाउसिंग लिमिटेड ला रहा है नया प्रोजेक्ट, शॉपिंग मॉल हॉस्पिटल पर काम शुरू, एलडीए ने नक्शे को दी विशेष अनुमति। आवा चौराहे पर अंडरपास के लिए 121 करोड़ रुपए हुए मंजूर, 42.30 करोड़ रुपए हुए जारी। वाईपी रोड से आगरा एक्सप्रेसवे की तरह बनाया जाएगा अंडरपास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें लाने के लिए तैयार है, इन बसों को प्रदेश के स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही 1 लाख बसों को हटाकर उनके स्थान पर संचालित किया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी, डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि परीक्षा अवधि में बिजली कटी तो कार्रवाई होगी। और आज से ही राजधानी लखनऊ व आसपास के जनपदों में तेज हवा गरज चमक के साथ हुई बारिश, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट।